सो हाय गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो भाई आज किस वाले वीडियो पर आपको बताएंगे जंप एंड प्रोन, जैसे कि आप एयर में कैसे कर सकते हो, मतलब हवा में कैसे आप जंप एंड प्रोन कर सकते हो, या फिर गेट से आप इजीली मतलब फांग के उस तरफ प्रोन होकर जा सकते हो। तो भाई देखो, जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाया था जंप एंड प्रोन पे, वो काम नहीं किया था, तो डिस्क्रिप्शन वो वीडियो देख सकते हो, वो काम नहीं किया तो इसलिए मैंने यहाँ पर बनाना पड़ा मेरे को। तो देखो यहाँ पर जंप एंड क्लाइंब जैसे कि बहुत सारे बंदे का ऑफ रहता है, तो आपको ऑन करना है क्योंकि वही बटन से आपका होगा। तो आप जंप एंड प्रोन बटन को कुछ ऐसा जगह पर रखना है ताकि आप दोनों को सिमिलर टाइम पर क्लिक कर सको। तो यहाँ पर देखो, पहले जंप एंड क्लाइंब बटन को हम ऑन करते हैं, जैसे कि यहाँ ऑफ रहता बहुत सारे बंदे का, तो जंप एंड क्लाइंब बटन यहाँ दिख रहा है, आपको ये ऑन कर देना है। और जैसे ऑन करोगे यहाँ पर देख सकते हो एक जंप बटन आ चुका, मतलब डबल जंप है यहाँ पर हमारे पास। बट जो आपका जो ये वाला जंप है जो ज़्यादा डीप आपको दिख रहा है, ये जंप बटन से आपका काम होगा, वो जंप एंड प्रोन वाला। तो एक वीडियो मैंने बनाया था उस पर वर्क नहीं हुआ था, बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई मेरा नहीं हो रहा, मैं दोनों को एक साथ ही क्लिक कर रहा हूँ, मतलब बहुत बार किया नहीं हो रहा। तो देखो मैं भी यहाँ पर दोनों को एक साथ क्लिक कर रहा हूँ, मेरा भी यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट में कुछ सीन्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह ये दिखता है। तो चलो आप लास्ट तक देखना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना अगर आपका वर्क होता है तो, और एक लाइक कमेंट जरूर करना वीडियो पर। तो भाई देखो आपको करना क्या, आप अगर दोनों को सिमिलर टाइम पर क्लिक कर रहे हो, मतलब एक साथ प्रोन बटन और आपका जो क्लाइंब बटन दोनों को एक साथ, बट आपका नहीं हो रहा, तो देखो आपको करना क्या। तो आपको पहले ये कर देते हैं हम यहाँ पर, रुको भाई, यहाँ पर सेटिंग पे जाके पहले रनिंग बटन को यहाँ पर डीप कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बता सके। तो देखो यहाँ पर रनिंग बटन पे क्लिक करना, अगर आप रनिंग करते हुए प्रोन कर सकते हो, मतलब फास्ट वाला जो हवा में प्रोन कर सकते हो, तो यहाँ रनिंग बटन को क्लिक करना है, और आपका जो जंप एंड प्रोन बटन को दोनों को एक साथ क्लिक करना है, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक साथ क्लिक करने पर मेरा यहाँ हो जा रहा, लेकिन अगर आप लोगों का नहीं हो रहा तो आप लोग क्या करो, जो आपका जंप एंड प्रोन बटन है गाइज, उसमें आपको करना कि आप प्रोन बटन को मतलब सिमिलर एक सेकंड से भी ज़्यादा फास्ट, ठीक है, एक सेकंड में भी उससे भी ज़्यादा फास्ट आपको मतलब प्रोन बटन को पहले क्लिक करना, उसके बाद आपको जंप बटन जो है आपको उसको पे क्लिक करना। तो भाई यहाँ पर जैसे कि फास्ट प्रोन और गन देख रहे हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पर आपको दिखाया फास्ट प्रोन और गन वाला, तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो जंप एंड ये वाला जंप एंड प्रोन वाला, ये मेरा एकदम एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ मैच में। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है मतलब फास्ट प्रोन वाला, जो गन पकड़ के मैं फास्ट फट से मतलब प्रोन हो जाता हूँ और उठ जाता हूँ, तो वो मैं यूज़ करता हूँ। बट ये वाला जो यूज़ है गाइस, जो जंप एंड प्रोन वाला, मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए मेरा भी एक बार पे नहीं होता। तो भाई यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को लग सकता, अगर आप ये वाला करोगे जंप एंड प्रोन बटन को एक साथ क्लिक करोगे तो आपका होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप प्रोन बटन को मतलब एक सेकंड से ज़्यादा फास्ट क्लिक करो, और आपका जो क्लाइंब बटन है उसको लास्ट में क्लिक करना। अब इतना भी लास्ट मत करना कि एक वो मतलब क्लिक कर दियो फिर दो सेकंड बाद वो क्लिक करो, ऐसा नहीं है। आप प्रोन बटन को फास्ट क्लिक करो, मतलब फर्स्ट में, और उसके बाद आपका जो क्लाइंब जंप है उसको क्लिक करो, मतलब सिमिलर आपको दोनों एक साथ ही क्लिक करना, आपका ईजिली हो जाएगा। सो गाइज यही था आज के इस वाले वीडियो पर। तो वीडियो से कोई हेल्प मिला होगा तो भाई लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।